खबर गाजीपुर जनपद से, जहां शुक्रवार को सैदपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अंकित भारती ने विधानसभा में छोटी छोटी जनसभाएं नुक्कड़ सभा किया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी अंकित भारती ने कहा, सैदपुर में 10 साल से सुभाष पासी विधायक रहे लेकिन किसी प्रकार का विधानसभा में कोई काम नहीं दिख रहा है। इस बार सुभाष पासी के किला को उखाड़ फेंकने का कार्य हम करेंगे। इस दौरान अंकित ने कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मुझे चुनाव जीतने के बाद कहीं नहीं जाना है, आपके बीच में ही रहना है और मैं सिर्फ 5 सालों के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक आपके बीच में ही रहूंगा। आगे अंकित भारती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। कैसे सब पे अत्याचार करती आ रही है, यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय चौहान जी, जयंत चौधरी जी, ये लोग के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। से अंकित भारती को जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे युवा प्रत्याशी अंकित भारती, जो लगातार जब से ये प्रत्याशी बनकर समाजवादी पार्टी के सदर सैदपुर विधानसभा में आए हुए हैं, लगातार इनको जन समर्थन मिल रहा है। और मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सैदपुर की अब तक सबसे बहुत बड़ी जीत समाजवादियों की इस बार सैदपुर विधानसभा में होने जा रही है और अंकित भारती लाखों ओर से चुनाव यहाँ से जीतकर और सदर में पहुंचने का काम करेंगे। देखा जा रहा है कि गाजीपुर में 7 विधानसभा हैं, क्या सातों विधानसभा पे सपा हावी रहेगी? सातों विधानसभा पे इस बार समाजवादी पार्टी अपनी पूरी परचम फहरा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोगों के माध्यम से चैनलों पर हमें देखने का मिल रहा है सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गाँव में घुस नहीं पा रहे हैं और चौथे चरण में ही हमारे नेता ने जिन्होंने कह दिया है और जनता का ये जो जनादेश आ रहा है कि चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने जा रही है और सरकार इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। विधानसभा से है, एक समय सपा की दिग्गज नेता सदा फातिमा सपा में रही और अब बसपा में, क्या कहेंगे? देखिए, नेता अखिलेश यादव जी बनाते हैं और जनता बनाती है, तो इस बार जहूराबाद में अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर जी दोनों लोग लाखों ओर से जीतने जा रहे हैं और सदा फातिमा जी अब हम लोग के माँ के समान है, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। जैसा देखा जा रहा है कि सुभाष पासी लगातार सपा में रहे फिर भाजपा में आए, कितना असर पड़ेगा? देखिए, उनके जाने का कोई असर नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी बहुत फायदा हुआ है और उनकी जो छवि थी वो निगेटिव छवि थी और आपके बीच में जो भी प्रत्याशियाँ हैं ये सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं पूरे पूर्वांचल में और सबसे ज़्यादा वोट जीतने वाले प्रत्याशी आपके बीच में आए हैं और समाजवादियों का एगढ़ है, समाजवादी इनको जो है लगभग 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा वोट जिता के सदन भेजने काम करेगा। सुभाष पासी पे लगातार इन दिनों एक के बाद एक हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी सोची समझी साजिश है, वो सोच रहे हैं कि मैं अपने ऊपर जो है अटैक करवा लूं और जनता मेरी तरफ मूव कर जाए। ऐसा नहीं है, जनता पागल नहीं है, जनता तो साइलेंट बैठी हुई है क्योंकि जानती है कि हमारा जो प्रत्याशी अंकित भारती है हमको उनको वोट देना है, हमको अधा पत्ता थोड़ी चलाना है, तो अपने लोगों से वो जो है अपने ऊपर अटैक करवा रहे हैं, उससे उनको संतावना नहीं मिलने वाली है, उनके ऊपर जो है जनता जो है फिदा नहीं होने वाली है, इसलिए उनको जो इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता मूड बनाए बैठी है। धन्यवाद। क्रिकेट में प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी रह चुके हैं, उसके बाद राजनीतिक सियासी पारी खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सवाल है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैं प्रदेश स्तरीय क्रिकेट खेल रहा था, खिलाड़ी था मैं उसका, तब से लेकर मैं अभी तक जो मैंने अपने घर परिवार में अपने दादाजी को समाज सेवा, उनके समाज सेवा की बातें सुनी है और अपने पिताजी को हमेशा समाज सेवा करते हुए देखा और वही भावना मेरे अंदर भी जगी और तब मैंने ये सोचा। मैं एक स्तर पर आपको बता दूं कि मैं स्तर पर अपने हिसाब से समाज सेवा कर रहा था, क्योंकि जब जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, मुझे जिला पंचायत सदस्य की उपाधि मिली, तो मैं वह कार्य और बेहतर तरीके से करने लगा समाज सेवा का और यही सोच मुझे इस पद तक लेके आया और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी भावनाओं को समझा और उन्होंने मुझे मौका दिया। लगातार 10 साल विधायक रहे सुभाष पासी का किला कैसे खाएंगे आप? उनका किला गिर चुका है। आप यहाँ पे जन आक्रोश दे सकते हैं, यहाँ पे आप जनता का
देख सकते हैं कि कितनी जनता है यहाँ पे, और ये सैदपुर जो है समाजवादियों का किला है और किला ही रहेगी। धन्यवाद।